सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। ऐसे बहुत सारे बच्चे जो आजकल तैयारी कर रहे हैं अपनी स्टेनो या सीपीओ की, साथ ही साथ मॉक भी वो दे रहे हैं या प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, लेकिन उनका स्कोर अभी तक भी नहीं बढ़ रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 60 से ऊपर ही नहीं जा पा रहा है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका स्कोर अभी 60 भी नहीं पहुंचा है। तो क्या माइनर मिस्टेक हैं जो आपसे हो रही हैं, जिन्हें आपको इम्प्रूव करना होगा, अन्यथा एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा और आप लोग इसी स्कोर पर लटके रहेंगे। ये आपको पता है बच्चों, ये स्कोर सेफ स्कोर नहीं है। सिलेक्शन लेने के लिए आपको एक अच्छा स्कोर चाहिए, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो हमें अपनी उन मिस्टेक्स पर वर्क करना होगा, उन सिली मिस्टेक्स पर, उन माइनर मिस्टेक पर हमें वर्क करना होगा, तभी जाकर के हम लोग अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा आपसे आपकी छोटी छोटी मिस्टेक्स पर, वो मिस्टेक आपसे कहाँ कहाँ हो रही हैं उन पर बात करेंगे बच्चों। दोस्तों, सभी स्टूडेंट के साथ में यही प्रॉब्लम रहती है। देखिए, अपने स्कोर को 1 से 50 तक पहुँचाना या 60 तक पहुँचाना बहुत आसान है, बहुत ईजी, क्योंकि कुछ मोटा मोटा काम करना है वो कर लेंगे बच्चे, बहुत इजीली हो भी जाता है। उसके बाद में यहाँ से अपने स्कोर को अप करना बड़ा मुश्किल काम है। हर एक मार्क्स के लिए आपको बड़ी जद्दोजहद करनी होगी, बड़ी मेहनत करनी होगी। जो इस चीज़ को समझ गया वो इसमें तर गया। दोस्तों, यहाँ पर वो क्या समस्याएं हैं जो बच्चे के सामने आ रही हैं, देखिए सबसे पहले जो समस्या है वह है ग्रामर की कुछ सिली मिस्टेक्स। देखिए, मोटे मोटे रूल तो सब बच्चे पढ़ लेते हैं, लेकिन जहाँ क्वेश्चन उसने घुमा के दिया या थोड़ा सा अंदर का क्वेश्चन पूछ लिया, तो यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी बच्चों को। ऊपरी क्वेश्चन, ऊपरी तैयारी बच्चे कर लेते हैं, मोटे मोटे रूल जैसे नो सूनर हो गया, हार्डली हो गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो हो गया, बोथ हैंड हो गया, तो मोटे मोटे रूल्स सब बच्चों ने पढ़ लिए हैं, लेकिन उसके अंदर का रूल्स कई बार पूछ ले तो शायद ना पता हो। जैसे कि बोथ हैंड पता है, लेकिन ये नहीं पता कि बोथ हैंड वाले का इस्तेमाल कभी भी नेगेटिव सेंटेंस में नहीं होगा। तो बहुत सारी चीज़ें बच्चों ऐसी हैं जिन पर आपको अभी भी वर्क करना होगा, अपने आप को और इम्प्रूव करना होगा। यहाँ से आपका से बच्चों तो असली परीक्षा शुरू होगी बच्चों, क्योंकि यहाँ से आपको अब अपने आप को अप करना है, साथ ही साथ सिलेक्शन भी लेना है, और साथ ही साथ बच्चों एक टेंशन भी है क्योंकि एग्ज़ाम अब 2 महीने बाद है लगभग। यस दोस्तों, तो ये एक प्रेशर और है आपके सिर पे। अगर एग्ज़ाम आपका अप्रैल में रहता तो शायद फिर कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हमें इस ये जो टेंशन इससे भी निपटना है। दूसरी प्रॉब्लम बच्चों जो आ रही है बच्चों को, वो आ रही है क्लोर टेस्ट में। देखिए, क्लोर टेस्ट, RC और PQRS, ये तीनों मांगते हैं बच्चों अपना एक्स्ट्रा एफर्ट, यानी कि प्रैक्टिस इन तीनों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल ऐसे हैं बच्चों, इनको अगर आप एक दिन भी छोड़ देंगे तो ये आपके हाथ से निकल जाएंगे। एग्ज़ाम तक आपको इन्हें छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी। 2 क्लोर टेस्ट, 2 RC, 20 PQRS डेली करने हैं, चाहे आपने सारी बुक के कर लिए हैं उन्हें ही रिपीट करने हैं, लेकिन करने हैं बिल्कुल भी, किसी भी तरह से छोड़ना नहीं है। जब तक आप इसे पूरी तरह से अभ्यस्त ना हो जाए या फिर एग्ज़ाम जब तक ना हो जाए, तब तक आप इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे एक दिन भी। तीसरी जो प्रॉब्लम बच्चों आपको आ रही है, वो आ रही है आपकी वोकेबलरी से, क्योंकि वोकेबलरी का काम एक दिन का बिल्कुल भी नहीं है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप एग्ज़ाम तक रटते रहे बैठे हो तो एग्ज़ाम में आपकी यही वोकेबलरी आ जाएंगी। अब समस्या ये कि वोकेबलरी करें कहाँ से, तो गाइस इसके लिए सिर्फ मेरे पास एक ही जवाब है, ओनली प्रीवियस ईयर वोकेबलरी आप कर लीजिएगा, इसके अलावा आप इधर उधर मत भटकिए। सिर्फ प्रीवियस ईयर वोकेबलरी पर पूरा फोकस बना दीजिए, इसी से आपका सारा काम हो जाएगा, इसी से आपकी सारी वोकेबलरी तैयार हो जाएगी। तो इन पर फोकस कीजिए बच्चों, ये सभी वो वोकेबलरीज हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में आई हुई हैं, ये आपके लिए काफ़ी इनफ रहने वाली हैं। तो इन 3-4 चीज़ों पर वर्क कीजिए अपना। इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा भी नहीं करना है, सिर्फ किसी एक बुक को पकड़ लीजिए, MB को, किरण को या पिनेकल को, हालांकि एक नई बुक आपके लिए हो जाएगी, आप चाहें तो इनमें से किसी एक बुक को पकड़ें। यहाँ से आप लोग MB बुक से 2018, 2019,
2020 और 2021 के सेट कर लें ओनली। अगर आप यहाँ से इतने सेट कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी बच्चों। यस, लगभग सालों को मिलाकर के लगभग 120 के आसपास सेट होंगे। इन सबको आप कर लीजिएगा, आपका स्कोर अपने आप यहाँ से 85, 87, 88 तक पहुँच जाएगा। ये आपके स्कोर को 85 प्लस से 90 में पहुँचाएगा। यहाँ से अगर आप यहाँ से किरण करना शुरू करें तो ये भी बहुत आराम से हो जाएगा। 45 डेज में बहुत आराम से हो जाएगी, पूरी कंप्लीट हो जाएगी 11 के 11 टॉपिक जो स्टर्नो माने हैं आपके। इससे भी आपका स्कोर 85 प्लस पहुँचने वाला है। और यहाँ से भी सेम, लेकिन ये अभी एक नई बुक है, इसका भी सोल्यूशन भी आपको नहीं मिल पाएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको MBA लेना है तो आप 2018, 19, 20 और 21 का सोल्यूशन ले सकते हैं। ओनली 600 रुपीज़ है आपका आज प्राइस। ये सभी वो पेपर हैं जो TCS ने शुरू किए हैं लेने, इसलिए मैंने आपको ये सजेस्ट किए हैं। किरण बुक तो है ही लेटेस्ट पूरी की पूरी, तो आप इसको भी खरीद सकते हैं चाहे तो कोई भी बुक आप एक खरीद के पढ़ सकते हैं। इस समय पर ऑफलाइन बढ़िया रहेगा जो ऑनलाइन, तो गाइस आपको भी पता है ये बात, इस समय पर सबसे बेहतर है ऑनलाइन, क्योंकि इसे आप अपने घर बैठ करके जितना मर्जी और जब तक मर्जी पढ़ सकते हैं। लाइक आपको 10 घंटे पढ़ना है, दूसरे बच्चों को 5 घंटे पढ़ना है, कोचिंग वाला सिर्फ 1 ही घंटे पढ़ा रहा है, यस, तो आप लोग 10 घंटे अपना आराम से बैठ कर पढ़ सकते हैं। ये फ़ायदा है बच्चों ऑनलाइन का। आप तो ऑनलाइन सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है इस टाइम, ऑफलाइन बेहतर है, लेकिन ये समय ऑफलाइन का नहीं है। ओके दोस्तों, सो लगे तैयारी हम अपनी, ऑल द बेस्ट सभी को अपने अपने एग्जाम्स के लिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।